नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने आज जो लोग बिगिनर्स हैं इंटरडे करने के लिए सोच रहा है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाता हूँ जो कि बेसिक्स एकदम बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको आप लोग सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो उसको अपना के आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग कैसे और भी टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग सीख सकता है। लेकिन ये देखिए, आप लोग बेसिक्स कुछ इंडिकेटर्स लगा के टेक्निकल एनालिसिस करके बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप लोग मार्केट में काम कर सकता है। तो देखते हैं, चलते हैं इसको। ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने का मिल जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे कुछ मैंने बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ और बाइसल लेवल दिखाता हूँ, तो इसको आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, पहले मैंने चार्ट आप लोग को कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप लोग जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसमें जाके आप लोग को कुछ चार्ट देखना है। चाहे ये आप लोग को चार्ट मार्केट वॉच में आप लोग स्टॉक्स लगाएंगे, उसके बाद उसका चार्ट जब इधर से आप लोग चार्ट ओपन हो जाएगा तो इधर से आप लोग चार्ट ओपन कर सकता है। तो इधर चार्ट ओपन करने के बाद ये आप लोग को कैंडल स्टिक्स मिलेगा। तो कैंडल स्टिक्स क्या होता है पहले आप लोग एक बार बोल देता हूँ। जो रेड वाला कैंडल है, जो प्राइस कुछ का स्टॉक्स का प्राइस नीचे आएगा तो वो रेड होता है, जब ऊपर जाता है उसका प्राइस ग्रीन होता है, उसका कलर ग्रीन होता है। तो एक कैंडल का कैसे बनता है, इस कैंडल का मतलब एनाटोमी जो बोलता है, तो उसका कैसे क्या होता है सोच लीजिए। ये जो जब कोई रेड वाला कैंडल, इसका ओपनिंग इसका ऊपर होता है, ओपनिंग होने के बाद ये इसका लो बनता है। ये जो ये है इसका बॉडी, ये पोर्शन है, इधर से इधर तक इसका बॉडी है और इसको बोलता है, ये दोनों साइड जो है विक्स होता है, विक्स दोनों साइड हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है दोनों साइड भी हो सकता है और एक साइड भी हो सकता है और कुछ भी नहीं सकता है, सॉलिड बॉडी बोल हो सकता है। वो कैंडलस्टिक का पैटर्न बहुत सारा पैटर्न होता है, मारुबुजू, दोजी, बहुत सारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो आप लोग बाद में सीखेंगे। आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकता है, यूट्यूब वीडियो देख सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरा जो वेबसाइट है उसमें भी आप लोग देख सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये देखिए, मैंने पहले एकदम बेसिक्स जिनिस बेसिक्स चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जो इसका ओपन हुआ है, उसके बाद ये लो हुआ है, इसके बाद हाई हुआ है और इधर ये क्लोजिंग हुआ है नीचे। और जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, उसके बाद ये इतना तक लो हुआ है, इतना तक हाई हुआ है और इधर ये ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो ये है कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स। आप लोग ट्रेड कैसे करेंगे, पर ट्रेड चालू करने के लिए आप लोग को कुछ इंडिकेटर, पहले आप लोग ट्रेंड लाइन देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, स्विंग हाई लो देखे आप लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले आप लोग को सोच लीजिए, इधर एक मतलब एक सपोर्ट है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर आप लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है। अप ट्रेंड देखने के लिए आप लोग को इधर से लाइन ड्रॉ करना है, डाउन ट्रेंड देखने के लिए आप लोग को इधर से देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को बाद में सीखेंगे। आप लोग कुछ बेसिक चीज़ दिखाता हूँ जो अपना कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग ट्रेड करना चालू करना चाहता है, लेकिन समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है कि कैसे आप लोग ट्रेड चालू करें। तो उन लोग को लिए मैंने ये बनाता हूँ। सोच लीजिए, मैंने 10 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया और 20 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, उसका कलर मैंने रेड रखता हूँ। तो इसमें देखिए, और स्ट्रेट करने के लिए ट्रेंड का ज़रूरत होता है, ये होता है ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर का भी ज़रूरत होता है। इसके लिए RSI आप लोग लगा सकता है, RSI जब 50 का ऊपर और नीचे, ये आप लोग बाय या सेल कर सकता है RSI का।
और उसके साथ मूविंग एवरेज देखना है, मूविंग एवरेज कौन सा है। तो ये मूविंग एवरेज क्या है, सो देखिए 10 का मूविंग एवरेज पिछले जो 15 मिनट का चार टाइम फ्रेम में पिछले 10 जो 10 कैंडल है तो उसका क्लोजिंग का एवरेज होता है ये 10 का मूविंग एवरेज। और जो 20 का मूविंग एवरेज है तो ये पिछले 15 मिनट का कैंडल में ये पिछले 15 मिनट में पिछले 15 मिनट का चार्ट में पिछले 20 का जो क्लोजिंग का 20 कैंडल का जो क्लोजिंग का प्राइस है आप लोग को क्लोजिंग हाई ओपन हाई क्लोज लोज क्लोज आप लोग को दिखा दिया। तो ये है 20 कैंडल का एवरेज। तो इसमें आप लोग इधर भी चेंज कर सकता है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो भी आप लोग ये कर सकता है। इसमें है आप लोग अच्छा में आप लोग ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 4 में आप लोग जब ये करेंगे तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये आप लोग देख सकता है इसमें क्लोजिंग ऐसे कर दिया। तो इसके बाद RSI में इसमें इधर देखिए जो प्राइस इसका प्राइस तो ऑलरेडी 10 का मूविंग एवरेज 10 का मूविंग एवरेज जब 20 का मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो आप लोग को सेल ही करना है। तो कब सेल करना है, जब एक कैंडल 10 का नीचे क्लोज होगा तब उसका बाद उसका लो जब तोड़ेगा तब आप लोग को एंट्री लेना है। सोच लीजिए इधर 12 निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर का 12,043 में इसका लो मारा है, 12,043 में इसका लो मारा है। तो इसका इसके बाद ये जब 12,043 का लो क्रॉस किया तो इधर आप लोग एंट्री ले सकते हैं। RSI भी 50 का नीचे होना चाहिए तो ऐसे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। इधर आप लोग जो क्रॉसिंग इधर देखिए आप लोग इधर क्रॉस किया है, इधर इस कैंडल पे ये क्रॉस किया उसके बाद ये जब हाई इसका हाई जब तोड़ेगा तब आप लोग एंट्री लेना है। तो सोच लीजिए इधर 12,100 इसका हाई हुआ है, उसके बाद 12,100 हाई तोड़ने के बाद 12,115। तो कोई भी स्टॉक्स आप लोग एक देख लेते हैं, कोई भी स्टॉक्स आप लोग देख लेते हैं। तो इधर देखिए ये जब क्रॉसओवर हुआ है प्लस इधर क्रॉसओवर होता है, इधर जो क्रॉसओवर हुआ है और इधर जो क्रॉसओवर हुआ है प्लस तो इधर आप लोग RSI भी 50 के ऊपर हुआ है, RSI भी 50 के ऊपर है तो ये आप लोग एंट्री ले सकता है। इधर देखिए इधर इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ है, RSI 50 का नीचे है, RSI जब 50 का नीचे जाएगा तो इसका लो जब तोड़ेगा तो आप लोग एंट्री लेना है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत आसानी से फर्स्ट में काम कर सकता है। मैंने और कुछ दिखा, मैंने जो लेवल दिखने के लिए आप लोग को फिबोनाची लेवल आप लोग को ड्रॉ करना सीखना चाहिए। तो देखिए फिबोनाची का जो लेवल है इधर देखिए जब जब आपसे डाउन जब आपसे डाउन डाउन से अप जाएगा तो इधर से नीचे से ऊपर इसको ड्रॉ करना है। इस इधर से ये देखिए इधर से ये आप लोग ड्रॉ कर दिया, उसके बाद देखिए ये 38.2% में रिट्रेस करता है 38। आप लोग इधर से भी क्रॉसओवर भी हुआ है प्लस आप लोग ये जो RSI का भी आप लोग देख लिया 50 का नीचे, और जब इधर देखे 38.2% में आप लोग एंट्री ले सकते हैं, इधर आप लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। इधर आप लोग 61.8 ये गोल्डन रेशियो है, इसमें आप लोग और भी सेफ रहता है। इधर 61.8% के नीचे आप लोग रहेगा तो आप लोग को और भी श्योर प्रॉफिट आएगा। तो इधर से आप लोग एंट्री ले सकता है, ऐसे करके आप लोग पहले ट्रेडिंग चालू कर सकता है। उसके बाद इधर और भी इंडिकेटर्स है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से VWAP एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको फिबोनाची लेवल को उठा दिया। तो जब भी प्राइस ये इसका नीचे VWAP का नीचे आएगा तो और RSI और मूविंग एवरेज के साथ तो इसका आप लोग को सेल करना चाहिए, और जब ये VWAP के ऊपर जाएगा प्राइस तो इधर आप लोग को बाई करना चाहिए। और कुछ बेसिक्स कुछ ऑप्शन का कुछ बेसिक्स चीज़ आप लोग को सीखना चाहिए। पहले आप लोग ये जानकारी लेके आप लोग काम चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग को बहुत सारा चीज़ अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए इधर जो इधर ऑप्शन में देखिए इधर चेंज ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम
आईबी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, एलटीपी नेट चेंज, बिट क्वांटिटी, आस्क प्राइस, और इधर ऐसे इधर इस साइड में आप लोग को, बाय साइड में आप लोग को कॉल्स।